दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि हम अपनी बाइक को साफ़ कैसे करें। देखो यार, साफ़ करने का बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी रीजंस कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है साफ़ करने के लिए। आपने आफ्टर मार्केट वो भी देखा होगा कि शाइन करने के लिए ये सब चीज़ें। तो यार मैं देखो, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ करो, कि बहुत से आते हैं 30 रुपये की एक छोटा सा पाउच आता है कि वो पाउच से 3-4 बार यूज़ हो जाता है। तो आप लोगों को देखो करना क्या है, आप उसको यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा उसको यूज़ नहीं करना, उसको यूज़ करो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को छोड़ो, मैं अपना बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाइक के अंदर ना हमेशा एक चीज़ करता हूँ, मैं अपनी बाइक को कभी धुलवाता नहीं, कभी नहीं धुलवाता। बहुत ऐसी कंडीशन होगी कि बारिश वारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया, जो लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब जाके मैं ये कुछ धुलवाने चला जाता हूँ। और धुलवाता भी ऐसा हूँ कि मैं उसे पॉलिश वॉलिश नहीं, सिर्फ नॉर्मल धुलवा के ले आता हूँ। तो आप लोगों को देखो यार करना क्या है, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब भी आप अपनी बाइक को साफ वाफ करो तो आपको सबसे पहले एक तो लेना है, दो कपड़े लेने हैं, एक लेना कॉटन और दूसरा आपने देखा होगा एक स्वेटर जो हम लोग पहनते हैं, ऊनी टाइप का स्वेटर पहनते हैं हम, ठीक है। अब आप बोल लो कि यार भाई ये क्या बोल रहा है, इस टाइम पे हम क्या अपना स्वेटर ख़राब करें या ये ख़राब करें। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो यार होता क्या है, जैसे स्वेटर तो बहुत सारे पुराने हो जाते हैं, उसका एक पीस काट के रख लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने बोला वो क्यों, मैंने क्यों स्वेटर की ही बात करी, क्योंकि स्वेटर का जो मटेरियल था वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्वेटर काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे कि हमारा कॉटन होता है ना काफ़ी सॉफ्ट। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो आप ऐसे दोनों चीज़ कॉटन की ही बात कर रहा हूँ, कॉटन लो, और दूसरा आप अगर आप वो ले रहे हो स्वेटर ले रहे हो तो स्वेटर भी ऐसे लेना जो बाकी मतलब स्क्रैच वैच काफ़ी सॉफ्ट टाइप का स्वेटर हो, उसका एक कट पीस काट लो या कुछ भी है, या फिर किसी से ले लो या जो भी चीज़ है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल कपड़े से अपनी बाइक अच्छी तरह साफ़ करनी है, नॉर्मल कपड़े से अपनी बाइक को बहुत अच्छी तरह साफ़ करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आता है बाइक चमकाने के लिए एक पॉलिश आती है, ठीक है। उस पॉलिश का कोई नाम नहीं है, आप किसी भी अपने आसपास के स्टोर में जाके आप वहाँ से जाके पूछ लो कि यार हमें ना एक सॉल्यूशन दे, वो दे दो जिससे बाइक शाइन करे। आप ये बोलना बाइक शाइन मतलब बाइक साफ शाइन करने के लिए हमें एक वो दे दो, ठीक है, लिक्विड दे दो। तो वो क्या करते हैं, आपको ना एक लीटर आती है 100 रुपये की, यार 1 लीटर 100 रुपये की बहुत बढ़िया, बहुत सही आती है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली जहाँ से मैं अपने अपनी बाइक धुलवाता था, मैंने उससे वो मुझे बता नहीं रहा था भाई, नहीं बता रहा था, बिल्कुल नहीं बता रहा था, लेकिन मैंने उसको कैसे ना कैसे करके, वो कह रहे हैं चुरा के मतलब नहीं, मतलब यह कि मैंने उससे पूछ लिया, वहाँ पे एक वर्कर था उससे मैंने पूछ लिया कि भाई क्या यूज़ करते हो, तो उसने बोला कि 100 रुपये का आता है, यहाँ पे 100 रुपये का मिलता है, 100 रुपये की एक पॉलिश आती है, ठीक है, आप वो ले लो। और आप क्या करो कि ना, हाँ 100 रुपये की पॉलिश आती है उसको, उससे मुझे ये नहीं पता है कि यूज़ कैसे करना, चालू था भाई, दिमाग लगा रहा था वो बंदा कि अगर मैंने उसको बता दिया तो वो सोचेगा कि यार मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, कि ये बंदा मेरे पास नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, देखो पहले तो आप अपनी बाइक को पूरे अच्छी तरीके से साफ़ कर लो, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, पहली चीज़। हाँ, और हाँ एक चीज़ और, रब नहीं करना, सर्कुलेट इस तरीके से राउंड राउंड करके साफ़ करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको लगा लो पॉलिश को, पॉलिश को हल्के उंगली से लगा लगा के ऐसे डॉट 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 बना बना के लिख लो कह रहा हूँ, सॉरी लगा लो। तीसरी चीज़, जो आपका वो स्वेटर वाला कपड़ा होगा उससे आपको रब करना है, इस तरीके से रब करो। रब करने से क्या होगा कि जितना हो सके उतना रब करो। बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी है कि यार बहुत सारे जैसे कार साफ़ करने के लिए एक मशीन आती है 2-2.5 हज़ार रुपये की आती है, आप वो मत लो यार, क्यों फालतू में पैसा ख़राब कर रहे हो, ठीक है। वो मशीन भी बहुत बड़ी होती है, वो काफ़ी बड़ी मशीन होती है, लेकिन मैं तो आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि छोड़ो ये सब, आप नॉर्मली अपने हाथ से उसको साफ़ करते रहो। और हाँ, पॉलिश डालने के बाद आपको अच्छी तरह रब करना है, बहुत अच्छी तरह रब करना है। रब करने से क्या होगा कि बाइक आपकी बिल्कुल शाइन करती रहेगी, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी बाइक की शाइन में भी कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से वो चीज़ यूज़ भी होगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा कि यार मेरे दोस्त हर बार पूछते रहते भाई तेरी बाइक शाइन कैसे करते हैं, रीज़न बता, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम खराब करने दें। और मौसम आप लोग देख रहे हो बहुत बुरी हालत है, क्या बताएं। ओके, बाय।